हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z5 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इस सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट टू स्पीक, इसे सेलेक्ट करना है। अभी सेलेक्ट टू स्पीक के इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट टू स्पीक शॉर्टकट ऑफ, इसके नेम के ऊपर आपको टैप करना है। आपका सेलेक्ट टू स्पीक का एक न्यू पेज आएगा, इस पेज को ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। आपको नीचे की साइड ये अलाउ का बटन दिखेगा, अलाउ पे सेलेक्ट करना है। आपका सेलेक्ट टू स्पीक शॉर्टकट का एक न्यू पेज आ जाएगा, इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, बॉक्स में राइट टिक लगाना है। इसके बाद आपको नीचे ये सेव का बटन सेलेक्ट करना है। आपकी सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग ऑन हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ये सेलेक्ट टू स्पीक का शॉर्टकट बटन आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को अपना किसी भी पेज में, किसी भी ऐप में, आप इसे कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपको ये जो शॉर्टकट बटन है सेलेक्ट टू स्पीक का जो शो हो रहा है, इसे आपको एक बार दबाना है। एक बार दबाएंगे तो यहाँ पर एक नीचे की साइड रेड कलर का बटन आ जाएगा। अब आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर उंगली को रखना है और ऐसे खींचना है तो एक ग्रीन कलर की लाइन बनती है। इस ग्रीन कलर की लाइन के अंदर आप जितना भी लिखा हुआ आप कवर करेंगे, उतना लिखा हुआ आपका मोबाइल फ़ोन जो है पढ़ के बताएगा, रीड करके बताएगा। देखिए यहाँ पर आपको उंगली को हटाने से पहले आपको जो है ना मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम आपकी फुल होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए मैं इतना एरिया कवर करके उंगली को छोड़ देता हूँ तो मेरा मोबाइल फ़ोन इतने एरिया को पढ़ के बताएगा, ठीक है। ठीक है, इतना एरिया मैंने कवर किया था, इतना एरिया मेरे मोबाइल फ़ोन ने मुझे पढ़ के बताया। दोस्तों अगर आप किसी भी ऐप में, किसी भी पेज में, अगर किसी भी बड़े से पैराग्राफ पे अगर आप पढ़ने में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आप इसे जो है ना सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग का यूज़ करिए। ग्रीन कलर की लाइन के अंदर आप एरिया कवर करिए, उतना एरिया आपका मोबाइल फ़ोन आपको पढ़ के बता देगा, ठीक है ना, चाहे जितना कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में सेलेक्ट टू स्पीक।